हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़े। आखिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर आपने काबा की तरफ मुंह कर लिया और अहमकों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि इन्हें अगले किबले से किस चीज़ ने फेर दिया। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक और मगरिब, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। जब किबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर इसका गुजर हुआ जो असर की नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें आपने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। फिर उन्होंने नमाज की हालत में काबा की तरफ मुंह फेर लिया।